प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बैंक रिकॉन्सिलेशन का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो, बैंक रिकॉन्सिलेशन जो स्टेटमेंट है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट है, यह हमें ये बताती है कि क्या रीज़न है हमारी जो कैश बुक है वो बैंक स्टेटमेंट से नहीं मिल रही। इस स्टेटमेंट को बनाने के बाद हमारा जो कैश बुक का बैलेंस है वो बैंक स्टेटमेंट से मिलेगा, और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है हमारी कैश बुक से मिलेगा। हम इस बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के माध्यम से बहुत सारी जो मिस्टेक्स हुई हैं वो दूर भी करते हैं, तथा जो चेक इशू की गए या हमने इशू किए या किसी और पार्टी ने इशू किए उसका सही हिसाब किताब इस बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के माध्यम से ठीक किया जाता है। तो आइए हम सीखते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। मान लो कि आपको कैश बुक का बैलेंस दिया गया है, बैलेंस एज पर कैश बुक, मान लो ये आपको 9900 रुपये दिया गया है अमाउंट। जब आपको कैश बुक का बैलेंस दिया जाए तो आपने देखना है कि हमारी जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें क्या ट्रीटमेंट है। अपनी कैश बुक को बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से सोच कर हम कुछ एडजस्टमेंट करेंगे। जैसे पहली एडजस्टमेंट होगी द रिसीप्ट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक हैज़ बीन ओवरकास्ट बाय 2000। इसका मतलब ये है कि हमारा जो अकाउंटेंट है या कैशियर, उसने मिस्टेक कर दिया। जो बैंक स्टेटमेंट थी, जो हमारा कैश बुक था ना, उसकी जो रिसीप्ट साइड होती है एक पेमेंट साइड होती है, तो उसने 2000 रुपये ज़्यादा लगा दिए। तो अगर हम इसको घटा दें तो हमारा जो बैलेंस है वो बैंक स्टेटमेंट के बराबर हो जाएगा। इसको कहेंगे लेस आवर कास्ट इन रिसीप्ट साइड। तो मैंने ये 2000 यहाँ घटा दिए तो बैलेंस आ गया 6900। अब आगे देखते हैं, चेक अमाउंटिंग टू ₹7520 वर डिपोजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। हमने तो जमा करा दिए पर बैंक ने क्रेडिट नहीं किए। तो मान लो ये बैंक है, इसकी बुक्स हैं, ये हम हैं। माई मान लो कि ये विनोद का खाता है और इसमें भी एक बैंक अकाउंट है। तो मेरा जो रिसीप्ट है इसका क्रेडिट साइड में होगा, मेरा जो यहाँ डेबिट रिसीप्ट है तो यहाँ क्रेडिट होगा। तो मेरे जो पैसे हैं 7520 रुपये अभी लिखे नहीं हैं, मैंने अपनी रिसीप्ट साइड में 7520 रुपये लगा दिए हैं, तो अभी क्रेडिट हुआ नहीं है। इसका मतलब मैंने गलती, अभी जैसे ही मुझे पता लगा कि मेरे बैंक, मैंने बैंक में जमा किए तो मैंने इसमें डेबिट साइड में लिख दिए थे, तो इसको घटा देते हैं 7520 रुपये। इसको ऐसे कहेंगे कि डिपोजिटेड
डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। बैंक की बुक्स में क्रेडिट होने का मतलब है हमें रिसीव्ड हो गया, तो ये घटा देते हैं। 6900 माइनस 7520, 6900 माइनस 7520, ये माइनस में आ गया 620। अब नेक्स्ट है चेक इशूड ऑफ 10,460 बट नॉट प्रेजेंटेड। तो पेमेंट के जो चेक होते हैं हमने तो इशू कर दिया, हमने अपनी पेमेंट साइड में लिख दिया 10,000, अपनी पेमेंट साइड में 10,460 लिख दिए, उससे हमारा कैश बैलेंस कम हो गया। पर बैंक की जो बुक्स हैं वहाँ प्रेजेंट ही नहीं हुआ, तो बैंक बैलेंस जो है हमारा अभी ज़्यादा है, तो हम भी अपना बैलेंस बढ़ा देते हैं। हमने हमने तो जो बैंक का हमारी बुक्स बना रहा है, जो बैंक स्टेटमेंट, उसके हिसाब से चलना है ना। तो 10,460, तो इसे लिखेंगे या चेक इशूड इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड प्रेजेंटेड। तो अब हमारा बैलेंस बढ़ जाएगा 10,460 माइनस 620, 9,840 हो गया। आगे है डिस्काउंट अलाउड ₹220 हैज बीन एंटर्ड इन बैंक कॉलम इंस्टेड ऑफ डिस्काउंट कॉलम। देखो जो कैश बुक होती है, ये कैश बुक है, तो इसकी रिसीप्ट साइड में, ये रिसीप्ट साइड है, ये पेमेंट साइड है, डेबिट साइड में एक डिस्काउंट कॉलम भी होता है। तो हमने गलती से क्या किया, 220 पे इस डिस्काउंट कॉलम के लिखने की बजाय यहाँ लिख दिया। इसका मतलब हमने गलती की है, उससे हमारा कैश बैलेंस बढ़ गया है। इसको घटा दो, 220 रुपये यहाँ लिख देते हैं। इसको आप लिख सकते हो डिस्काउंट अलाउड रॉन्गली डेप्टेड इन बैंक कॉलम, घटाकर 9620 आ गया। तो ये बैलेंस जो है, ये बैंक बैलेंस है एज पर बैंक स्टेटमेंट। हाय, मैंने आपको जो बैंक स्टेटमेंट प्राप्त होती है उससे ये मैच करेगा। इसके बाद हम आगे भी देखेंगे कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की कुछ एडवांस प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।